दोस्तों लीड इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकॉन को ताकि आपको मिलता रहे हमारा सबसे लेटेस्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे मास कम्युनिकेशन के छात्रों के लिए जो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है या सबसे बड़ी थिंकिंग होती है, सोच होती है कि मुझे कहीं बहुत बढ़िया जगह मिल जाए जहाँ पे इंटर्नशिप किया जा सके। मैं आपको पहले इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और दूसरा चीज़ ये समझाऊंगा कि आप इंटर्नशिप कहाँ करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जब आप जाते हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो एडमिशन लेने के बाद से इंटर्नशिप आप क्यों करने के लिए जाते हैं? इंटर्नशिप इसलिए करने जाते हैं ताकि आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिल सके। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर का मतलब ये हुआ कि आप वास्तव में किसी ऑफिस के अंदर जाकर के काम करना सीख सकें। ऑफिस के अंदर जो अप्स एंड डाउन होता है, उसका जो पॉलिटिक्स होता है या बहुत सारा चीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है या फिर आपका अपना काम होता है, तो वो सब चीज़ें आप ऑफिस में सीख सकें ये इंटर्नशिप के दौरान होता है। इंटर्नशिप में कई लोग सोचते हैं, जो हमारे छात्र साथी होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं जाऊं तो मुझे पहले दिन से ही रिपोर्टिंग करने के लिए मिल जाए, या मुझे डेस्क पे बैठने को मिल जाए, या फिर मैं वेब मीडिया पे करूं, या फिर ऐसी चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें तय करते हैं। या फिर ऐसा सोचते हैं, कई तो ऐसे भी वो सोचते हैं कि आज मैं 2 महीने के लिए किसी आज तक में कर लूं, फिर 2 महीने के लिए जी न्यूज़ में कर लूं, 2 महीने किसी अखबार में कर लूं। ऐसे किसी भी इंटर्नशिप से आपका भविष्य नहीं बनने वाला। पहली बात कि आपने क्यों एडमिशन लिया है? आपने एडमिशन लिया क्योंकि आपको डिग्री मिले। आपको डिग्री तो मिल गई, अब डिग्री मिलने के बाद से आप इंटर्नशिप क्यों कर रहे हैं? इसलिए ताकि आपको काम वाकई इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में करने आ जाए। देखिए पहले काम बाद में सीखा जाता है, काम करने का माहौल, उस माहौल में एडजस्ट होना पहले सीखा जाता है। काम करने वाला बनना आपको पहले जरूरी होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ पे आप चले तो गए, आपको बहुत अच्छा हो सकता है रिपोर्टिंग आता हो, लेकिन हो सकता है आप उसके एनवायरनमेंट में ही ना सेटल हो पाए। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ बॉस ऐसे हो जाए जो थकाऊ किस्म के हो, थोड़ा वो आपको उतना एक्सपोजर देने में दिलचस्पी ना रखते हो। आप इन सब चीज़ का सामना करते हुए आप कैसे बेहतरीन इंटर्नशिप करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, कुछ टिप्स देता हूँ जिससे कि आप बेहतर इंटर्नशिप कर सकते हैं और बेहतर ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। सबसे पहले तो इंटर्नशिप करने के लिए आप वैसे ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढिए जो बहुत बड़ा ना हो लेकिन वहाँ काम होता हो, लेकिन वहाँ पे हर छोटे लेवल पे ही काम होता हो, और जो टॉप बॉस है उससे आपका कॉन्टैक्ट बन जाए। अब टॉप बॉस से तो कॉन्टैक्ट तभी बनेगा जब आप थोड़े छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, वहीं पे टॉप बॉस से कॉन्टैक्ट बनेगा। उससे फायदा क्या होगा कि आप ए से लेकर के जेड तक जितने काम होते हैं उसके डिसीजन मेकिंग ये को देख सकेंगे या उसमें शामिल हो सकेंगे। अगर आप उस डिसीजन मेकिंग और में शामिल हो पाते हैं या देख पाते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्टअप होगा। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आप इंटर्नशिप ऐसे जगह करें जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ना हो, एक एवरेज ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, सभी छात्र, मीडिया के सभी छात्रों को प्रिंट मीडिया से इंटर्नशिप करना चाहिए, क्योंकि प्रिंट मीडिया से इंटर्नशिप करने से क्या फायदा होता है? आपको लिखने आता है, आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा बढ़िया से यूज कर पाते हैं। आप प्रिंट में अगर आपने इंटर्नशिप किया तो आप इलेक्ट्रॉनिक में जा सकते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक में किया तो प्रिंट में आपके लिए कोई संभावना नहीं, क्योंकि आजकल सबकी बीमारी एक ही है, सबकी समस्या एक ही है कि लिखने नहीं आता, लिखना कोई नहीं चाहता, थॉट खत्म हो गया, थॉट प्रोसेस खत्म हो गया। आप प्रिंट में जाएं, वहां पे आपका थॉट प्रोसेस बनेगा और आप लिखना जाएं। दूसरी बात, आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढें जो केवल 2 महीने की इंटर्नशिप ना कराता हो, कम से कम अगर काम वो दे रहा है आपको
तो 5 से 6 महीना टिक कर आप इंटर्नशिप करने की कोशिश करें। आप अपने कोर्स के दौरान करें, 5 से 6 महीने तक जरूर इंटर्नशिप करें। 2 महीने के इंटर्नशिप से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो 5-6 महीना जहां मिले वो उसको प्रेफरेंस दें। इसके अलावा एक और चीज है, अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट होंगे कि आपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप किया है, तो आप समझिए वो आपके लिए बिल्कुल निगेटिव है। क्योंकि अगर आपने हर 3-4 ऑर्गेनाइजेशन में 2-2 महीने इंटर्नशिप किया है, तो जो इंटरव्यू लेता है उसको ये पता होता है कि आपने कहीं से कुछ भी नहीं सीखा है। तो फाइनली आपके लिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा टिप्स ये है कि आपको अगर इंटर्नशिप करना हो तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जहां पर आपसे टॉप का जो डिपार्टमेंट है, टॉप जो बॉसेज हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट में रहें और आपको सभी प्रोसेस के A से Z तक सिखाया जाए। हम लोग लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन लीपा और लीड इंडिया के माध्यम से भी हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं और बहुत डेडिकेटेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। लगभग आप ये समझिए कि अब तक हमने 400 से 500 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे विदेशों तक गए हैं कवरेज करने के लिए। यदि आपको लगे कि आप लीड इंडिया में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बाकायदा एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, आप उस इंटरव्यू प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा हेल्पलाइन नंबर लिखा होगा, हमारा ईमेल आईडी लिखा होगा, आप हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं और बात करके आप भी अगर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट करके इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो आएंगे जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।